दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन. एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ. राज्य सरकार के डायरेक्शंस जो 18 मई को आए थे लॉकडाउन 4 के संबंध में, उसकी पूरी पालना अजमेर में कराई जा रही है. और अजमेर में जो ये दरगाह और आसपास का क्षेत्र है जिसमें जो हमारा हॉटस्पॉट है मोची मोहल्ला, वहाँ पे अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है. और उसी के क्रम में जो आज हम लोगों ने ये पूरे क्षेत्र का दौरा किया है, प्रशासन के साथ पुलिस की पूरी टीम साथ में है, ये देख रहे हैं कि जो अभी 18 मई के बाद जो नए बदलाव आए हैं, जो रिलैक्सेशंस दिए गए हैं, उसकी पूरी पालना की जा रही है या नहीं की जा रही है, वो हम लोगों ने आज इसका भ्रमण करके आज जायज़ा लिया है. और आने वाले समय में जो ये कर्फ्यू का क्षेत्र है उसको हम और छोटा करेंगे, उसके संबंध में हम सभी हमारे जो भी अधिकारी हैं उनके साथ चर्चा कर रहे हैं, जनप्रतिनिधिगण के साथ भी लगातार चर्चा की जा रही है. और बहुत जल्द इस पर कोई फैसला करके हम कर्फ्यू क्षेत्र को छोटा करने के लिए हम कोई निर्णय लेंगे. और ये उम्मीद करते हैं कि जो रिलैक्सेशंस दिए गए हैं उसके साथ साथ सरकार ने जो मास्क पहनने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो नॉर्म्स बनाए हैं इसकी सभी लोग पालना करें, नहीं तो फिर जो अभी कंट्रोल में है हमारे अजमेर में अभी काफ़ी अच्छा कंट्रोल हो गया है, ज़्यादातर लोग 85% से ज़्यादा निगेटिव होकर जा चुके हैं अपने घरों में. तो आने वाले समय में हम सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और ये सारे नियमों को हम फॉलो करें. 144 अभी भी लगा हुआ है तो 4 से ज़्यादा लोग कहीं नहीं निकले, ये हम सुनिश्चित करना चाहेंगे. ईद को लेकर किस तरह की अपील करना चाहते हैं? जैसा कि हम सभी जानते हैं लॉकडाउन लगा हुआ है, सेक्शन 144 है, और धार्मिक गतिविधि और मंदिर मस्जिद में किसी भी तरह की जो है उसके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है. तो मैं ये अपील करना चाहूँगा सारे अजमेर वासियों से कि ईद का पर्व है, शांति अमन का पर्व है, और इसे अपने घर में रह कर ही अपने जो है वो उसको मनाएं. आपने सब नया दौरा किया है, उसके बाद यही सामने आई होगी ना? हमने ये देखा है कि जो लॉकडाउन के का जो फोर्थ वर्जन है, 18/5 को जो ऑर्डर्स आए हैं उसके बाद जो रिलैक्सेशन मिला है, लोगों की गतिविधि बढ़ी है, काफ़ी राहत मिल रहा है लोगों को, जो बाहर में उनके दुकान वगैरह खुल गए हैं और आने जाने की जो छूट मिली है. इसके साथ साथ एक जिम्मेदारी भी है जो सभी को उसकी पालना करनी चाहिए, मास्क लगा के आएँ, सोशल डिस्टेंसिंग की नॉर्म्स फॉलो करें, और अजमेर शहर में इसका अच्छी तरह से पालना किया जा रहा है और आगे उम्मीद करते हैं इसी तरह से जारी रहेगा.